हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। केमिस्ट्री का पहला चैप्टर आता है पदार्थ व उसकी प्रकृति व परमाणु संरचना। इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आपके कम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं उसको आज मैंने कवर करने की कोशिश की है। 25 प्लस क्वेश्चंस हैं, कुछ थ्योरीज हैं और कुछ वन लाइनर क्वेश्चन हैं। चलिए इसकी शुरुआत करते हैं। आप एक एक क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा और मैं इसकी PDF डाउनलोड कर दूंगा, अपलोड कर दूंगा टेलीग्राम चैनल पे। आप वहां से इसको ले सकते हैं और वीडियो को 2 से 3 बार देखिएगा जिससे आपको अच्छे से इसका रिवीजन हो जाए। रसायन विज्ञान का जनक किसे कहते हैं? तो लेवोसियर लेवोरियस साहब जो थे उनको रसायन विज्ञान का जनक कहते हैं। पदार्थ की चौथी अवस्था कौन सी है? तो वो प्लाज्मा होती है। ऊर्ध्वपातन क्या है? वह प्रक्रिया जिसमें पदार्थ गर्म करने पर सीधे ठोस से गैस रूप में परिवर्तित हो जाती है उसे ऊर्ध्वपातन कहते हैं। ऊर्ध्वपातन प्रक्रिया के उदाहरण आयोडीन और कपूर जो हैं वो ऊर्ध्वपातन के उदाहरण हैं। पृथ्वी पर पाया जाने वाला सर्वाधिक तत्व कौन सा है? तो वो ऑक्सीजन है। 46.60% ऑक्सीजन पाया जाता है। देखिए फ्रेंड्स, गैस और तत्व दोनों में अंतर है, तो ऑक्सीजन जो है वो सबसे ज़्यादा पृथ्वी पर पाया जाता है। किसी तत्व का सबसे छोटा कण होता है? अणु सबसे छोटा कण होता है। किसी विशेष ताप पर वह नियत ताप जिस पर कोई द्रव जमता है उसे हम हिमांक कहते हैं। हिमांक और द्रवणांक दो होते हैं। तो द्रवणांक क्या होता है? वह विशेष ताप जिस पर क्या होता है, कोई द्रव पिघलता है, कोई बर्फ या सॉलिड जो होता है वो पिघलता है, तो उसे उसका द्रवणांक कहते हैं। और जो हिमांक होता है, जहाँ पे द्रव जमता है जिस विशेष दाब पर, वो हिमांक होता है। पदार्थ की पांचवी अवस्था कौन सी है? फ्रेंड्स, आपने अभी तक 3 अवस्थाएं या 4 अवस्थाएं पढ़ी होंगी। 3 क्या हैं? ठोस, द्रव, गैस और कोलाइड। लेकिन पाँचवीं अवस्था कौन सी है? तो बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट होता है। अब अलग अलग परिभाषाएं दी गई हैं। तत्व क्या है? तत्व वह शुद्ध पदार्थ है जिसे 2 या 2 से अधिक पदार्थों में विभाजित नहीं किया जा सकता है, वह ना ही अन्य सरल पदार्थों के योग से बनाया जा सकता है। यौगिक क्या है? वह शुद्ध पदार्थ जो रासायनिक रूप से 2 या 2 से अधिक तत्वों के एक निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोग से बनता है उसे यौगिक कहते हैं। मिश्रण क्या है? वह पदार्थ जो 2 या 2 से अधिक तत्वों के यौगिकों के किसी भी अनुपात में मिलाने से प्राप्त होता है उसे यौगिक कहते हैं। मतलब जब निश्चित अनुपात में मिलाते हैं तो हमें यौगिक मिलता है, और जब हम अनिश्चित या किसी भी अनुपात में मिलाते हैं तो मिश्रण मिलता है। परमाणु, तत्व का वह छोटा कण जो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले सकता है परमाणु कहलाता है। अब परमाणु क्रमांक और द्रव्यमान संख्या क्या होती है? किसी तत्व के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या परमाणु क्रमांक कहलाती है, और किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों का योग द्रव्यमान संख्या कहलाती है। मतलब या तो इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन की संख्या परमाणु क्रमांक कहलाएगी। जब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को हम जोड़ देंगे तो वो द्रव्यमान संख्या हो जाएगी। क्वांटम संख्या क्या होती है? तो 4 क्वांटम संख्याएँ होती हैं। कौन कौन सी? मुख्य क्वांटम संख्या, तिगंसी क्वांटम संख्या, चुंबकीय क्वांटम संख्या और एक स्पिन क्वांटम नंबर होता है। समस्थानिक क्या होते हैं? जिनके परमाणु क्रमांक समान होते हैं लेकिन परमाणु द्रव्यमान भिन्न भिन्न होते हैं उन्हें समस्थानिक कहते हैं। और जिनके परमाणु द्रव्यमान समान और परमाणु भार भिन्न भिन्न हो वो क्या होते हैं? संभारी। मतलब एक चीज से आप याद रख सकते हैं कि समस्थानिक में परमाणु क्रमांक समान होता है, संभारी में परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न होता है। सबसे अधिक समस्थानिकों वाला तत्व कौन सा है? तो वो पोलोनियम है। पोलोनियम सबसे अधिक समस्थानिकों वाला तत्व है। किसे विभाजित नहीं किया जा सकता है? तो परमाणु को विभाजित नहीं किया जा सकता है। परमाणु की खोज किसने की थी? जॉन डाल्टन ने की थी। परमाणु के नाभिक के अवयव कौन से हैं? प्रोटॉन व न्यूट्रॉन हैं। आवेश रहित कण होता है, न्यूट्रॉन पे आवेश नहीं होता है। पॉजिट्रॉन धनावेशित इलेक्ट्रॉन होता है।
पॉजिट्रॉन की खोज किसने की? तो वो एंडरसन साहब ने की, एक भारतीय वैज्ञानिक जिसका नाम एक विशिष्ट मूल कण के साथ जुड़ा है, तो बोस पार्टिकल जो होते हैं, तो सत्येंद्रनाथ बोस का नाम इससे जुड़ा है। अब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की खोज के लिए आप सभी ने एक ट्रिक पढ़ी होगी, ईंट पर नाचे। तो इलेक्ट्रॉन की खोज टॉमसन ने, प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने और न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने की थी। इस ट्रिक से आप आसानी से याद रख सकते हैं कि किसकी खोज किसने की थी। तो इस तरह आप लोगों ने देखा कि मैंने नियर अबाउट 25 क्वेश्चंस डेफिनेशंस के साथ कवर करने की कोशिश की। आपको अगर ये अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से सब्सक्राइब करवाएं और मेरे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे मुझे आगे की वीडियोज़ बनाने के लिए मोटिवेशन मिले। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट।